नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी सूट लेकर आई हूँ। पूरा सूट बनाऊंगी और दो कलर में, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। चलो आपको बनाना मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये दो कलर मैंने लिए हैं, दोनों कलरों से हम बनाएंगे। जहाँ मैंने 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा ली है और 68 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 68 फंदे डाल के स्टार्ट करने जा रही हूँ। बटन पट्टी तो हम यही कलर की बनाएंगे, दो चार छः, छः फंदे बटन पट्टी के। आगे हम धागा लगाते हैं ये वाला। एक और दो, दो सीधे फंदे बनाने के बाद धागा आगे एक जाली, फिर एक दो सीधे फंदे बुनने के बाद एक जाली डालनी, एक दो एक जाली। एक दो फिर जाली, एक दो फिर जाली, एक दो धागा आगे करके फिर जाली। ये फंदे हम बढ़ा रहे हैं, एक दो सीधे बुन ले, धागा आगे किया फिर जाली, फिर एक दो धागा आगे किया फिर जाली, 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 एक दो धागा आगे फिर जाली, एक दो धागा आगे फिर जाली, एक दो धागा आगे फिर जाली, एक दो। इधर भी हम बटन पट्टी के लिए धागा वक्रा लगा लेंगे। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, इधर से एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे हमारे बटन पट्टी के, धागा पीछे। ये सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। सारी सिलाई उल्टी, ये देखो इतना मैंने बना लिया। 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी की बनाकर, आगे फिर मैंने 3 सिलाइयाँ, 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा ली। ये देखो अब हमने फिर फंदे ऐसे ही बढ़ाने हैं। ये धागा दोनों तरफ हमारा लगेगा क्योंकि हमने दोनों बटन पट्टी हमारी पर्पल कलर की चलेगी। ये देखो पहले हम एक बटन होल बना लेते हैं, पहले आगे मैंने बनाया था, अब एक और बना लेते हैं। धागा आगे, दो का एक, और जहां से हमने फिर वाइट धागा लगा लेना।
दो फंदे बुन लिए, धागा आगे एक जाली, एक दो धागा आगे जाली। जैसे हमने नीचे बनाया था ना वैसे ही हमने फिर धागा आगे जाली, एक दो 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 धागा आगे जाली, एक दो। ऐसे हमने फिर बनाकर फिर हमने 8 सिलाइयाँ ऐसी सीधी उल्टी की चढ़ा के, फिर हमने 6 सिलाइयाँ ये चढ़ा के, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। इतना आप बना लो फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो इतना बन गया, जहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए, फिर जहाँ से बढ़ाया, फिर जहाँ से, अब लास्ट वाली हमने फंदे बढ़ाने हैं। आगे हम दो फंदे बुन के एक फंदा बढ़ाते थे, अब एक फंदा बुन के फंदा बढ़ाएंगे। ये देखो जाली, एक सीधा फंदा बुन लिया, फिर आगे धागा किया, फिर जाली, आगे दो करते थे अब एक करना, एक फंदा बुन लिया जाली, फिर एक फंदा बुन लिया, फिर जाली, एक सिंपल, फिर जाली। अब लास्ट वाली हम फंदे ये बढ़ाएंगे, उस तो बाद 6 सिलाइयां ये डाल के फिर हम फंदे डिवाइड कर देंगे। इतना करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये इतना मेरा बन गया, यहाँ से फंदे बढ़े, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। अब इतना मेरा बन गया। अब हम बाजू बनाएंगे। पहले मैंने बटर पट्टी छोड़ के, बटर पट्टी के 6 फंदे छोड़ के मैंने 28 फंदे मैंने आगे रखे हैं, 28 फंदे, 40 मेरे आगे बाजू के, 58 फंदे पीछे वाले हिस्से में, और फिर 40 और फिर 28 बटर पट्टी पर छोड़ के। अब पहले हम बाजू बना लेंगे, उसके बाद हम सारा इकट्ठा फिर आगे पीछे जोड़ लेंगे। यहाँ से हम बाजू निकाल के, यहाँ से हम फंदे दूसरी सिलाई में डाल के कल्ली बाजू के फंदे निकाल के बुन लूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने बाजू के फंदे निकाल लिए। अब हम सीधा उल्टा इसको वाइट बाजू थोड़ी सी बनाएंगे पहले, फिर आगे आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ऐसे थोड़ा सा बनाकर आगे दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखो मेरी एक बार मैंने बना ली बाजू। जी मैंने वाइट 26 सिलाइयाँ डाल के आगे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन डाला। बाजू में कोई फंदा नहीं मैंने कटाया, 40 फंदे थे 40 रहने दे है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे के हैं ना, आराम से बाजू आ जाती फिर। ये देखो ये डिज़ाइन कैसे डाला ये आपको मैं दिखाती हूँ, दूसरी बाजू बना रही हूँ। ये देखो पहले मैंने सीधी एक उल्टी सिलाई डाल ली, सीधी उल्टी सिलाई डालने के बाद दो फंदे सीधे, फिर दो का एक, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार दो का एक करना, फिर धागा आगे जाली, एक जाली, दो जाली, तीन जाली, चार जाली, पांच जाली, और छह जाली डाल ली, फिर दो का एक, एक बार,
दो बार, तीन बार, चार बार, पांच और छह। पहले हमने 3 बार दो का एक किया, फिर 6 जाली डाली, फिर 6 फंदे का 2 का 1 किया, फिर अब 6 जाली डालनी, एक, दो, तीन, चार, पांच और छ, फिर 2 का 1, एक बार, दो बार और 3 बार। इधर भी 3 बार किया था, इधर भी 3 बार, जहां 2 फंदे रखे थे लास्ट में भी, इधर भी 2 फंदे आ गए। ये हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई थी, पहले मैंने सीधी उल्टी सिंपल डाली थी। अब उल्टी सिलाई में क्या करना, कुछ नहीं करना, धागा पीछे करके सारी सिलाई सीधी, पूरी सिलाई सीधी, आपने सिंपल बुनना सिंपल बुन सकते हो, कोई और डिजाइन डालना और भी डाल सकते हो। ये बिल्कुल आसान डिजाइन था, पूरी सिलाई सीधी जाएगी। ये देखो डिजाइन बन गया, एक बार और दिखा देती हूँ आपको। आप बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई डाल लो, पूरी सीधी सीधी सिलाई पूरी डाल के अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालनी, पूरी उल्टी डाल लो, सीधी सिलाई। अब हम डिजाइन डाल लेंगे, फिर पहले फंदा एक उतारा, एक बुन लिया, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1, 3 बार हमने 2 का 1 किया। अब धागा आगे, एक जाली धागा डाल, 2 जाली, 3 जाली, धागा आगे, 4, धागा आगे, 5, धागा आगे, 6, 6 जाली डाल ली। अब फिर 6 फंदे हमने 2 का 1 करना, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जाली डाल ली। फिर आगे 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1,
सिंपल दो फंदे, बस इतना हमारा डिज़ाइन है। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी। डिज़ाइन में क्या करना, एक सीधी एक उल्टी सिलाई डाल के एक एक डिज़ाइन वाली सिलाई, उसके बाद फिर एक सिलाई सीधी, चार सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। जितने फंदे हमारे उधर दो का एक करते हैं, उतने हम जाली में बढ़ जाते हैं हमारे फंदे। ये देखो, ये मैंने 1 2 3 4 5 6, ये पांच, 1 2 3 4 5 6 हमने ये मैंने बनाए हैं डिजाइन के, 6 सिलाइयां, 6 मकिया जो बट्टियां बनाई हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 इतना बनाकर मैंने बाजू खत्म कर दी। अब ऐसे आप बना लो, पूरी बना कर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। जी देखो, मेरी दोनों बाजू बन गई। अब हम सब सारा आगे और पीछे वाला हिस्सा इकट्ठा ये कर लिया। ये देखो, अब इतना मैंने सीधा उल्टा डाल के यहाँ फिर आगे डिजाइन डाल लूंगी। जी देखो, सीधा उल्टा डाल के जितना जैसे बाजू में उतार बनाया मैंने, फिर आगे डिज़ाइन ये पूरा बना कर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इकट्ठा कर लिया। ये देखो, ये बाजू आ गई जहाँ से, सीधा उल्टा सिंपल जैसे हम बनाते हैं। ये हमारी सीधी सिलाई थी, उल्टी सिलाई अब बिल्कुल सिंपल है, सीधा उल्टा जैसे हम डालते ही हैं। ऐसे उल्टा, इसको ऐसे धागा साथ साथ रखोगे तो ना फिर जाली सी नहीं पड़ती। पूरा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा बनके तैयार हो गया, ऊपर से लेकर जो नीचे नीचे भी बॉर्डर ऐसे ही डिज़ाइन मैंने बना दिया। ये बाजू, जहाँ बटन लगा देंगे, ये 3 से 6 महीने के बच्चे के आराम से आएगा, थोड़ा बड़ा ही है, छोटा बिल्कुल भी नहीं बनाया मैंने। अब बाजू की सिलाई कर देंगे, जहाँ बटन लगा देंगे। मैं हमेशा सीधी तरफ से ही सिलाई करती हूँ। कली बाजू की सिलाई होनी है, बाकी आगे पीछे की कोई सिलाई नहीं होनी, यहाँ कोई सिलाई नहीं होनी, बस कली बाजू की होगी। जहाँ तक मैं इस कलर से कर दूंगी, आगे वाइट धागे से कर दूंगी। ये देखो, यहाँ कोई सिलाई नहीं, यहाँ सिलाई है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।